सोनभद्र में संदिग्ध हालत में ट्रक के केबिन में आग लग गई। ट्रक सीमेंट लोडकर वाराणसी की तरफ जा रहा था। आग लगने से ट्रक धू धू कर जलने लगा। वो तो गनीमत रही कि ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने खुद की जान बचाई। जलता ट्रक देखकर राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान रास्ते से गुजर रही सीओ सिटी ने रुककर फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया। रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के मारकुंडी इलाके की यह घटना है। तो ट्रक के केबिन में आग लगी है तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र की तस्वीरें, सीमेंट लोड कर जा रहा था ट्रक। बाराबंकी में दो प्राइवेट बसों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हो गए। पीछे चल रही बस ने आगे चल रही बस में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बसों में सवार 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को CHC में भर्ती कराया गया है। रामसनी घाट इलाके में लखनऊ अयोध्या ने 27 पर पटेल कॉलेज के पास यह हादसा हुआ है। खबर जालौन से है, जहां पर जालौन कोतवाली क्षेत्र के बगड़ा रोड पर सवारियों से भरा ऑटो बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में ऑटो में बैठी महिलाओं समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि ऑटो उरई नगर से सवारियां भरकर मध्य प्रदेश के मंछड़ गांव जा रहा था।